पिछले वीडियो में हमने सीखा था फॉर अ वाइल, ठीक है, और इस वीडियो में हम सीखेंगे इन अ वाइल, ओके। और आप इस वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा फॉर अ वाइल और इन अ वाइल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो चलें हम पहले इन अ वाइल सीखते हैं। और इन अ वाइल हम यूज करते हैं जब उर्दू के सेंटेंसेस कुछ इस तरह के हों, जैसे कि वो कुछ देर में तुमसे बात करेगा, हम थोड़ी देर में कराची पहुंच जाएंगे, एनी कुछ देर में तुम्हें कॉल करने वाली है, वो थोड़ी देर में बहुत पैसे कमा सकता है। आपने देखा इन सब सेंटेंसेस में थोड़ी देर में, कुछ देर में, ये कॉमन है। और जब भी हम उर्दू के इस तरीके के सेंटेंसेस इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम इन अ वाइल यूज करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ी देर में वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर इन अ वाइल। वो थोड़ी देर में बहुत पैसे कमा सकता है, He can earn much money in a while. Any कुछ देर में तुम्हें कॉल करने वाली है, Any is going to call you in a while. हम थोड़ी देर में कराची के अंदर पहुंच जाएंगे, We will reach into Karachi in a while. वो कुछ देर में तुमसे बात करेगा, He will talk with you in a while. अच्छा ये सेंटेंस है, वो कुछ देर में तुमसे बात करेगा, He will talk with you in a while. और अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, वो कुछ देर के लिए तुमसे बात करेगा, तो हम बोलते He will talk with you for a while. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम इन अ वाइल यूज करते हैं जब सेंटेंस में कुछ देर में आ रहा हो, जैसे कि वो तुमसे कुछ देर में बात करेगा, थोड़ी देर बाद बात करेगा, ठीक है। और हम फॉर अ वाइल यूज करते हैं जब सेंटेंस के अंदर कुछ देर के लिए आ रहा हो, कि मतलब वो कुछ देर के लिए तुमसे बात करेगा, थोड़ी देर तक तुमसे बात करेगा, फिर उसके बाद वो नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप इन अ वाइल की जगह आफ्टर अ वाइल भी यूज कर सकते हैं। इन अ वाइल और आफ्टर अ वाइल में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है।